कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी झारखंड में विधानसभा के दूसरे चरण के लिए प्रचार करने आए हैं। झारखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस प्यार बांटती है जबकि भाजपा हिंसा को बढ़ावा देती है। सभा में मौजूद लोगों से जुड़ते हुए उन्होंने झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि देश में अंबानी अडानी की सरकार चल रही है, हम सत्ता में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आदिवासी हितों की रक्षा करेंगे, उद्योगपतियों से जमीन छीनकर आदिवासियों को देंगे। भाजपा को घेरते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी की सरकारें जमीन को लूटने वाली सरकार है। 5 चरणों में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने सोमवार को सिमडेगा में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी सिर्फ 15-20 पूंजीपतियों के लिए सरकार चलाते हैं, गरीबों का पैसा छीनकर इन चोरों के पॉकेट में डाल देते हैं। राहुल गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमने एक कानून लाकर किसानों, गरीबों और आदिवासियों की जमीनों की रक्षा की। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने आदिवासियों की जमीनें छीनकर उद्योगपतियों को दे दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार झारखंड में आपकी जमीनों की रक्षा करेगी। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी, हर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती थी बिना कोई पूछे। 1 मिनट के अंदर आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती थी, उद्योगपतियों को दी जाती थी। कोई कारण देने की जरूरत नहीं थी, हमें तुम्हारी जमीन चाहिए, तुम आदिवासी हो, जमीन तुम्हारी है, मगर हम किसी उद्योगपति को देना चाहते तो हम ले रहे हैं। ऐसे कानून बना रखे थे छत्तीसगढ़ में, हमने उन कानूनों को बदला। फॉरेस्ट राइट बिल, आदिवासी बिल, उसको लागू किया। और मैं खुशी से आपसे कहना चाहता हूं, शायद हिंदुस्तान में पहली बार टाटा कंपनी से जमीन वापस लेकर, जो पहले आदिवासियों की जमीन थी, वापस लेकर आदिवासियों को वापस लौटा दी। क्यों किया मैं आपको बता देता हूं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे। उस बिल का लक्ष्य आप लोगों की जमीन का की रक्षा करने का था, किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन, गरीबों की जमीन। और उस बिल में साफ लिखा था कि अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी जाएगी तो 5 साल के अंदर उस उद्योगपति को उस जमीन पर उद्योग लगाना पड़ेगा, और अगर वो उद्योग नहीं लगाएगा तो वो जमीन जिसकी थी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो किसान हो, उसके हवाले वापस कर दी जाएगी।